स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे जो प्रॉब्लम्स है उससे हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, मतलब पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो तो उसको फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन। और मेथड का नाम भी लिख दिया है कि किस मेथड से आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट क्या करना है आपको। नीचे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वर्ड प्रॉब्लम है, इनसे आपको सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है, मतलब लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन जब आपके पास में आ जाएंगे तो चेक करना है पहले कि उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट है कि नहीं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कब होता है, जब उसका यूनिक सोल्यूशन होता है और जब उसका उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। ये दो कंडीशन में उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है और एक कंडीशन होती है जिसमें उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता, नो सोल्यूशन के केस। तो उसके लिए अपने पास में कंडीशन थी कि इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है और उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। और एक था इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू की कंडीशन आ जाए तो भी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है और उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। और एक केस था आपका नो सोल्यूशन वाला, इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो तो कोई सोल्यूशन नहीं। देखिए अपने पास में अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट है, मतलब उसमें एक्स की एक वैल्यू और वाई की एक वैल्यू आ रही है, तो उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए अपने पास में कंडीशन थी कि इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, अगर ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा और उसको हम एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। और मान लीजिए कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तीनों रेशियो इक्वल आ गए तो उस कंडीशन में उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे। और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन अपन एलिमिनेशन मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस लिखते छोड़ देंगे कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। और एक केस ये था कि इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब नो सोल्यूशन, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, उसको भी लिखते छोड़ देंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्यूशन कब कैलकुलेट करना है, जब उसका यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन आपको मालूम है ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन। तो क्या करते हैं हम एक एक पार्ट लेते जाते हैं और सबसे पहले जैसी कंडीशन दी हुई है उन कंडीशन का यूज करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं पहले, फिर उसको पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन जो है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू से कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका रेशियो बनाएंगे ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू, फिर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से 1 को सबट्रैक्ट करें या माइनस करें, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर अपन केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 अपॉन 2 हो जाता है। दो कंडीशन दिए तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस फ्रैक्शन को x अपॉन y सपोज कर लेते हैं, तो वहां पर x न्यूमरेटर हो जाएगा और y डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर ये दो कंडीशन दी हुई है, दोनों कंडीशन का यूज करके पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, फिर चेक करके देखेंगे तो उसका सोल्यूशन एक्जिस्ट है या नहीं। अगर सोल्यूशन एक्जिस्ट होगा तो फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को न्यूमरेटर में रख देंगे और वाई की वैल्यू को डिनोमिनेटर में रख देंगे, तो एक फ्रैक्शन वही आपका आंसर होगा। 8 द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, हमने सपोज कर लिए कि फ्रैक्शन जो है वो एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एटीसी फर्स्ट, क्या फर्स्ट कंडीशन, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, ये जो एक्स है ये न्यूमरेटर है, आई जो है ये डिनोमिनेटर है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर अपन इस न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दे मतलब x प्लस 1 कर दे और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दे मतलब y माइनस 1 कर दे, ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ऐसा हो जाता है।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में वन प्लस कर दो तो एक्स प्लस वन, डेनोमिनेटर में से वन माइनस कर दो तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू फ्रैक्शन क्या हो जाता है, वन हो। ये है पहली कंडीशन, एक्स प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक इक्वेशन आता है, ये y माइनस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो विच एम्प्लाइज x प्लस वन इज इक्वल टू y माइनस वन होगा, वन में इंटू करेंगे तो y माइनस वन। अब y को इधर शिफ्ट कर लो और ये वन को इधर शिफ्ट कर लो विच एम्प्लाइज x प्लस वाई का माइनस वाई हो जाएगा, उसी करके ये माइनस वन पहले से इधर है और ये वाले वन को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वन, विच एम्प्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन वन, ये पहली कंडीशन को हमने सॉल्व करे तो एक इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ATC सेकंड, क्या है सेकंड कंडीशन, इट बिकम्स वन अपॉन टू, फ्रैक्शन वन अपॉन टू हो जाता है इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। हम केवल डिनोमिनेटर में वन प्लस करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर एक्स है तो एक्स ही रहने देंगे, डिनोमिनेटर में वन प्लस करेंगे तो वाई प्लस वन हो जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई प्लस वन तो अपन क्या लिखेंगे वन अपॉन, ये फ्रैक्शन वन अपॉन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन से, इफ यू एड वन टू द डिनोमिनेटर को वैसे ही बन दो, एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में वन एड करो तो वाई प्लस वन ऐसे इक्वल टू फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है वन अपॉन वन अपॉन ऐसा हो। ये y प्लस वन का क्रॉस मल्टीप्लाई वन में कर दो और टू का क्रॉस मल्टीप्लाई x में, विच एम्प्लाइज टू एक्स इज इक्वल टू y प्लस वन का वन में करेंगे तो y प्लस वन, ये वाले y को इधर शिफ्ट कर दो लग जाएगा आपका टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। इसको आप इक्वेशन सेट, देखिए ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गए पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू और टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, ये है फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये अपन इक्वेशन बनाते। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन एक्जिस्ट है कि नहीं वो चेक करना, अगर सोल्यूशन एक्जिस्ट होगा तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं, लिख के छोड़ दो। तो आप इन दोनों इक्वेशन को, हाँ जो पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन है अपने ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई फिजिकल टू सी टू से कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद रेशियो निकालना पड़ेगा और वो रेशियो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन। चलिए आगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू विथ जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन सा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वेशन से इन दोनों को कंपेयर करना है, पहले से पहले को करना है और दूसरे से दूसरे को। देखो यहाँ पे x का कोफिशियंट a1 है और यहाँ पे x का कोफिशियंट 1 है, ए वन इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ए वन इज इक्वल टू वन, बी वन वाई का कोफिशियंट है बी वन, यहाँ पे y का कोफिशियंट है माइनस वन, बी वन इज इक्वल टू माइनस वन और कॉन्स्टेंट वाली टर्म सी वन है माइनस वन, सी वन इज इक्वल टू माइनस टू। ये पहले इक्वेशन से हमने पहले इक्वेशन कंपेयर कर लिया और ये दूसरे इक्वेशन से ये दूसरे वाले को, एंड x का कोफिशियंट है a2 और यहाँ पर x का कोफिशियंट है a2 is equal to 2, फिर y का कोफिशियंट है b2 और यहाँ पे y का कोफिशियंट है माइनस वन, b2 is equal to माइनस वन और कॉन्स्टेंट वाली टर्म c2 है, यहाँ पे c2 वन, c2 is equal to 1। ऐसे आपने पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू, अब रेशियो बनाते हैं इसके, पेयर फोर a1 upon a2, a1 upon a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 1 upon 2 आ गया रेशो, b1 upon b2 बना लो, b1 upon b2 दूसरा रेशो, b1 कितना है
वन है आपका माइनस वन, बी टू माइनस, दोनों माइनस वन, माइनस वन अपॉन माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन वन इक्वल टू वन अपॉन वन, या इसको वन बोल सकते हैं आप, एंड सी वन अपॉन सी टू भी निकाल लो, सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू, सी वन की वैल्यू है माइनस टू और सी टू की है वन, माइनस टू अपॉन वन एंड उसके ऐसे। अब देखो क्लियरली ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू वन अपॉन टू है और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू वन अपॉन, ये दोनों इक्वल नहीं, तो आपको सी वन अपॉन सी टू को देखने की जरूरत भी नहीं। क्लियरली ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन, देखिए हमको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू वन अपॉन टू है और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू वन, ये दोनों इक्वल नहीं है। आपको पता है ये कंडीशन ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, इसका मतलब है कि ये यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन है, ये अपन ने पता लगा एग्जिस्ट कर रहा है इसका सोल्यूशन। अब क्या बोला था उसने कि अगर उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक्स की एक वैल्यू और वाई की वैल्यू, अब आपको वो सोल्यूशन निकाल, तो अब अपन लेते हैं एलिमिनेशन, अब करना अपने को एलिमिनेशन, लिख लो बाय एलिमिनेशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड में सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ यहाँ पे, पहला इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, इसको इक्वेशन वन किए थे अपने, दूसरा इक्वेशन क्या है टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन, इसको इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, आपको पता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के कोफिशियंट चेक करते हैं कोई इक्वल है या नहीं, यहाँ देखो यहाँ एक्स का कोफिशियंट वन है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे वाई का कोफिशियंट माइनस वन है, यहाँ पे वाई का, तो ये इक्वल है, वाई के कोफिशियंट इक्वल है तो अब आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं, लेकिन दोनों के साइन सेम है, दोनों के कोफिशियंट माइनस वन, तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक का साइन प्लस एक का माइनस होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो एक का साइन चेंज हो जाए, नहीं कर सकते अपन एक के नीचे एक लिखे हुए इक्वेशन, इक्वेशन देखो एक के नीचे एक लिखे तो वहीं पे माइनस कर दो, इधर लिख देते हैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे, तो सेकंड के साइन चेंज करना पड़ेगा, करो देखो ये 2x प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई है तो ये प्लस वाई होगा, ये प्लस वन है तो माइनस, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, अब देखो ये नेगेटिव आया पॉजिटिव आया गेट्स कैंसिल, और ये x प्लस का है 2x, अब माइनस का लेना, तो x माइनस 2x करेंगे तो माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इक्वल माइनस टू, और ये माइनस दोनों माइनस वाले तो प्लस कर लो साइन माइनस का, ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर दो, एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका, आप इस एक्स की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते तो वाई की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में भी रख सकते हैं सेकंड में भी रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रखते हैं, रख दो एक्स के प्लेस पे थ्री जाएगा आपका थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, देखो अपने को वाई की वैल्यू चाहिए, माइनस वाई को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो प्लस वाई हो जाएगा, और माइनस टू को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो प्लस टू हो जाएगा, प्लस थ्री प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू माइनस वाई का प्लस, एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव, देखो ये वाई की वैल्यू भी आ गई, लेकिन अपने को एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालना था, अपने को फ्रैक्शन निकालना, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई बना दो तो थ्री अपॉन फाइव, देयरफॉर द रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई, तो थ्री अपॉन फाइव,
बस ये आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा 3/5। ऐसे कैलकुलेट कर, देखो कितना सारा काम था क्वेश्चन, और कर लो आंसर चेक। ये रहा सेकंड का, एक्स माइनस वाई प्लस टू लिख दिया उसने, टू को इधर शिफ्ट कर दिया, टू एक्स माइनस वाई मैंने इधर कर दिया उसने, वन और टू को इधर शिफ्ट, उससे कुछ फर्क नहीं। वेयर एक्स एंड वाई मेमोरी डोंट डिनोट द फ्रैक्शन इज 3/5। ये आ गया फॉर्मेशन लिखा है, ये फ्रैक्शन काम ज्यादा है इसके अंदर। पहले तो आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद चेक करना है, कंपेयर करके रेशो निकालना है, रेशो के बाद में ये कंडीशन अप्लाई करना है, और कंडीशन के बाद में अगर ये यूनिक सोल्यूशन आ गया तो सॉल्व करना है। मान लीजिए कभी नो सोल्यूशन आ जाए या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आ जाए तो यही लिख के छोड़ देंगे, नो सोल्यूशन इन्फिनिटी मेनी, बस आगे ये एलिमिनेशन मेथड लगाइए। कब लगाएंगे, तो कब लगाएंगे जब यूनिक सोल्यूशन का केस आएगा ये वाला, अदरवाइज नहीं लगा। श्योर, आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट सेकेंड। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? देखिए दो लोग हैं यहाँ पर, एक नूरी और एक सोनू। 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri जो है वो सोनू से, सोनू की एज से thrice थी। 10 years later मतलब 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू से कैसी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज कितनी आपको ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, उनकी प्रेजेंट एज मतलब आज वो कितने कितने साल की, ये सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि नूरी की जो एज है वो एक्स ईयर्स है और सोनू की जो एज है वो वाई ईयर्स है, और उसके बाद उनके 5 साल पहले की एज निकाल लेंगे पहले, और फिर 10 साल बाद की एज निकाल लेंगे, और फिर सिचुएशन जैसी बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो दो इक्वेशन आ जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल के रेशियो बना लेंगे, और रेशियो चेक कर लेंगे कौन सी कंडीशन आती है, अगर यूनिक सोल्यूशन का केस आएगा तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। चले करते हैं इसको। एट द एज ऑफ बी एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर्स, किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई ले सकते हैं। तो पहले जिसका नाम है उसको हमने एक्स ले लिया, और बाद में जिसका नाम है उसको वाई ले। अब 5 years अगो बोल रहा है, तो 5 years अगो की पहले एज निकाल लेते, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले उनकी एज कितनी थी। मान लीजिए आज अगर उनकी एज, एक की एज 20 years है और एक की 25 years है, तो आज अगर वो 20 की है तो आज से 5 साल पहले कितनी की रहेगी, 15 की रहेगी, और जो आज 25 की है वो आज से 5 साल पहले कितनी की रहेगी, 20 की रहेगी। तो ये लाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, एक्स में से 5 और वाई में से 5 को माइनस कर। तो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी, आज से 5 साल पहले एक्स माइनस 5 years हो जाएगी, क्योंकि आज उसकी एज जो है वो एक्स ईयर्स की है, तो आज से 5 साल पहले एक्स माइनस 5 years की रहेगी। जैसे अगर वो आज 20 years की है तो आज से 5 साल पहले 15 की रहेगी। एंड एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू y माइनस 5, आज उसकी एज y ईयर्स की है, 5 साल पहले y माइनस 5, ये 5 साल पहले की एज निकाल दो। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, एटीसी फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अब देखना कंडीशन फर्स्ट क्या थी। 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से थ्राइस थी। तो नूरी की एज कितनी है, एक्स माइनस 5, और ये थ्राइस का मल्टीप्लाई किसमें करना है आपको, इसके साथ लिखा है 3 × y − 5। वाई माइनस 5 मतलब नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से थ्राइस। तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 × y − 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो इक्वेशन आ जाएगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट में 3 का इंटू कर लो, हो जाएगा 3y माइनस 3 5 50। ये 3y को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस 5 को इधर शिफ्ट कर लो,
which implies x minus 3y is equal to minus 15 है, minus 5 का plus 5 है, which implies x minus 3y नहीं, अब इसको एक नंबर माइनस एक प्लस है, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ध्यान दो, इसको इक्वेशन वन दो, ये आगे एक इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस है, आया? अब सेकंड कंडीशन के लिए 10 इयर्स लेटर की एज निकालते हैं पहले, 10 इयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद, आज जिसकी एज 20 साल है, आज से 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, तो उसके लिए 20 में 10 प्लस करना पड़ेगा, आज जिसकी एज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगा, आज जिसकी एज y है 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा, एज ऑफ पूरी आफ्टर 10 इयर्स कितनी हो जाएगी, वो x प्लस 10, x प्लस 10 इयर्स, आज उसकी एज x इयर्स की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 की हो जाएगी, एंड एज ऑफ सोनू क्या हो गया, एज ऑफ सोनू, आज उसकी एज y है तो 10 साल बाद y प्लस 10, यानी 10 साल बाद की, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज x प्लस 10 is equal to, कितनी हो जाएगी वो, will be twice, twice मतलब double as old as soon, दोनों की एज में double का into कर दो, 2 into y plus 10, देखो ये 10 साल बाद की नूरी की एज है, ये 10 साल बाद की सोनू की एज है, तो नूरी जो है 10 साल बाद सोनू से twice हो जाएगी, तो सोनू की एज में 2 का into कर दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इक्वेशन मिल जाएगा, which implies x plus 10 is equal to, इस ब्रैकेट में 2 का इंटू कर लो, तो 2y plus 2 में 10 का इंटू करेंगे तो 20, ये 2y को इधर ले आओ, 10 को इधर ले, which implies x minus 2y is equal to 20, और ये plus 10 को इधर सेट करेंगे तो minus 10, which implies x minus 2y, 20 minus 10 करेंगे तो ये 10, इसको इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, देखो ये इक्वेशन वन और इक्वेशन, ये है फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे आपको लीनियर इक्वेशन बना, अब हमको ये चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इनका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, तो इन दोनों इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से अपन कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू विथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी, फर्स्ट इक्वेशन से इससे फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर करेंगे, इससे सेकंड इक्वेशन कंपेयर, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन, तो ए वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, बी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री और सी वन इज इक्वल टू माइनस टेन, ए वन इज इक्वल टू वन, बी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री और सी वन इज इक्वल टू माइनस टेन, काम से कंपेयर करो, सेकंड इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टेन है तो ए वन इज इक्वल टू वन, बी वन इज इक्वल टू माइनस टू, सी वन इज इक्वल टू सी, ए टू इज इक्वल टू वन, एक्स का कोएफिशिएंट ए टू इज इक्वल टू वन, बी टू इज इक्वल टू माइनस टू, सी टू इज इक्वल टू टेन, ए टू इज इक्वल टू वन, बी टू इज इक्वल टू माइनस टू और C2 is equal to 10, ये हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंपेयर किया, अब रेशियो बना दो, therefore
a1 अपॉन ए टू इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू वन है, ए टू की वैल्यू भी वन, तो वन अपॉन वन या वन, ए वन अपॉन बी टू बना लो, बी वन आपका माइनस थ्री है, बी टू माइनस टू है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री अपॉन टू आ गया, एंड सी वन अपॉन सी टू भी ले लो, सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सी वन की वैल्यू माइनस टेन और सी टू की वैल्यू टेन, ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, वन टेन ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन वन, या माइनस वन बोल सकते हैं इसको। अब देखो क्लियरली ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन वन है और वन अपॉन बी टू थ्री अपॉन, ये दोनों इक्वल नहीं है तो सी वन अपॉन सी टू को देखने की जरूरत। क्लियरली ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी, ए वन अपॉन ए टू जो है वो बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं, इसका मतलब यह है कि इसका यूनिक सोल्यूशन, देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। अब जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है तो ये अपने को फाइंड आउट करना है, और किसकी हेल्प से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना, तो आप लगाओ एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन नाम लिखो, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन एक्स माइनस थ्री वाई इजिकल टू माइनस टेन, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन, इक्वेशन वन है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस टू वाई इजिकल टू टेन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन, इसको इक्वेशन सेट। आप एलिमिनेशन मेथड में अपन क्या देखते हैं कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं, देखो इसमें एक्स का कोफिशिएंट वन, यहाँ भी एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ वाई का माइनस थ्री है, वाई का माइनस, तो एक्स का इक्वल दिख रहा और दोनों के साइन सेम दिख रहे हैं तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन साइन सेम है तो माइनस करना, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते, यहीं पे लिख देते कॉम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं कि वन में से टू को माइनस कर दिए, टू है तो टू के साइन चेंज करना पड़ता है, जिसको माइनस करते हैं उसके साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स का, माइनस टू आएगा प्लस टू आई हो जाएगा प्लस टेन का माइनस टेन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो और उसको सॉल्व, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस थ्री वाई और प्लस टू आई माइनस वाई, माइनस वाई माइनस वाई ओवर इज इक्वल टू माइनस टेन और माइनस टेन माइनस ट्वेंटी, माइनस है तो प्लस कर लो साइन, माइनस से माइनस कैंसिल करो, वाई इज इक्वल टू तो आ गया ट्वेंटी, वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी। अब इस वाई की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते तो एक्स की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में वाई के प्लेस पे ट्वेंटी रख, ये फर्स्ट एक्स माइनस थ्री और वाई की वैल्यू तो ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस वन, तो सॉल्व करो एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री का सिक्सटी हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टेन, अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए तो माइनस सिक्सटी को इधर सेट कर दो तो प्लस सिक्सटी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन और प्लस सिक्सटी, विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस सिक्सटी, एक प्लस एक माइनस तो माइनस करो, बड़े के सामने प्लस है तो प्लस आए फिफ्टी आए, ये फिफ्टी ईयर्स हो गए और ये ट्वेंटी ईयर्स, आप चाहे तो यहाँ पे ईयर्स लिख सकते हैं, फिफ्टी ईयर्स और ये वाला ट्वेंटी ईयर्स, मतलब नूरी की एज फिफ्टी ईयर्स और सोनू की एज ट्वेंटी, आप चाहे तो लास्ट में हैंस करके भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, लेकिन यहाँ तो आपने लिखी, लिख देता हूँ मैं, हैंस हैंस द एज ऑफ ऑफ नूरी इज फिफ्टी ईयर्स एंड
एज ऑफ दोनों एस 20 इयर्स, एक की एज 50 इयर्स और एक की एस, एक की एज 20 इयर्स, ठीक। क्या रिलेशन हो सकता है दोनों no, no. क्या रिलेशन हो सकता है, एक तो मदर एंड डॉटर हो सकता है, माँ बेटी का रिलेशन हो सकता है, फ्रेंड थोड़ी हो सकता है 50 साल वाली और 20 साल वाली, हाँ माँ बेटी हो सकती है ना। आंसर देखो मेरा सेकंड वाला एक क्वेश्चन बना के दिया, नूरी एंड सोनू रिस्पेक्टिवली, नूरी एक्स 50 इयर्स, एज ऑफ सोनू 20, एक क्वेश्चन के फॉर्म लिख दिया उसने, वो सी वन सी टू को इधर लिखता अपन उधर लिखते, उससे कुछ फर्क नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, एक टू डिजिट वाला नंबर है, टू डिजिट वाला नंबर क्या होता है 10 से लेकर 99 तक, 10 11 12 50 60 90 99 98 इस टाइप के, तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, जो दो डिजिट वाला नंबर है उसके डिजिट का जो सम है वो 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, aur ek condition aur di hai ki also 9 times this number, ye jo number hai wo 9 times hai, is twice the number obtained by reversing the order of the digit, digits ke order ko yadi reverse kar diya jaye to usse jo naya number milega uske twice ke equal, jo original number hai uska 9 times, original number mein 9 ka into karenge is equal to 2 ka into karenge aur ek number obtained karenge apan uske digits ko reverse karte, डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब यह है कि जो टू डिजिट वाला नंबर रहेगा उसमें एक जो डिजिट होगा वो यूनिट के प्लेस पे होगा और एक टेंस के प्लेस पे होगा, तो यूनिट के प्लेस वाले को टेंस के प्लेस पे कर देंगे और टेंस के प्लेस वाले को यूनिट के प्लेस पे कर देंगे, तो उससे एक नया नंबर मिलेगा, तो उस नए नंबर के ट्वाइस के इक्वल जो ओरिजिनल नंबर था उसका 9 times, तो फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर फाइंड आउट, तो अब दो डिजिट वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको उसके डिजिट को कंसिडर करना पड़ेगा, एक को कर लेता हूं मैं एक्स यूनिट के प्लेस के डिजिट को, यूनिट को वंस भी बोलते हैं, यूनिट के प्लेस के डिजिट को एक्स कंसीडर कर लेता हूं और टेंस के प्लेस के डिजिट को वाई कंसीडर कर, डेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स प्लेस आप यूनिट्स भी बोल सकते हैं और आप वंस भी बोल सकते हैं, बी एक्स and the digit at tens place, tens place be y, अगर यूनिट के प्लेस का डिजिट x है और टेंस के प्लेस का डिजिट y है तो नंबर क्या बनेगा दो डिजिट, then two digit number, two digit नंबर इज इक्वल टू टेन वाई प्लस एक्स, ऐसा नंबर टेन वाई प्लस एक्स, देख ये यूनिट के प्लेस पे एक्स है और ये टेंस के प्लेस पे वाई, वंस या यूनिट टेंस हंड्रेड ऐसा होता है, यूनिट के प्लेस पे एक्स है और टेंस के प्लेस पे, आप सवाल ये है कि टेंस के प्लेस पे जो डिजिट था वाई, ये केवल y क्यों नहीं लिखा, 10 का क्यों मल्टीप्लाई कर, तो जब भी आपको दो डिजिट तीन डिजिट ऐसे टाइप के नंबर कैलकुलेट करना हो तो जिस प्लेस का डिजिट वो बोल रहा है उसमें उतनी क्वांटिटी का आपको मल्टीप्लाई करना, यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 में x में 1 का इंटू करे तो x ही रहा, लेकिन y जो है वो टेंस की प्लेस पे इसलिए 10 का इंटू करे, कारण ये है 10 का इंटू करने का कि जैसे मान लीजिए कभी x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू कभी 5 आ गई तो 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 ही आएगा, 4 प्लस 5 में 9 दो डिजिट वाला नंबर थोड़ी है, दो डिजिट वाला नंबर 10 और 10 से बड़े नंबर होते हैं 99, इसलिए टेंस के प्लेस के डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई, यूनिट के प्लेस वाले में 1 का मल्टीप्लाई कर, इसलिए एक्स लिखे, टेंस के प्लेस वाले में जो प्लेस पे पड़ रहा उतने का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसका, तो ये ओरिजिनल नंबर है 10y + x, ये नंबर आपको क्या बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है इस नंबर में यूनिट के प्लेस पे एक्स लिए अपन और टेंस के प्लेस पे वाई लिए, है ना, तो इसको यदि आपस में इंटरचेंज रिवर्स किया जाए, मतलब x को टेंस के प्लेस पे लिखा जाए, y को यूनिट के प्लेस पे लिखा जाए, तो आपको एक नया नंबर मिलेगा, तो वो जो नया नंबर होगा वो इस पुराने नंबर या इस ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स से ट्वाइस हो, तो अपन वो नंबर निकालते हैं इसके डिजिट्स को वो करके, तो
The number obtained by reversing the order of the digits. The number obtained by reversing the order of the digits is equal to 10x plus 1. देखो y को यूनिट के प्लेस पे रख दिए उसमें 1 का इंटू है और x को 10 के प्लेस पे रख दिए इसमें 10 का इंटू है. जो डिजिट जिस प्लेस पे रहेगा उसमें उसका मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे x जो है वो 10 के प्लेस पे आ गया और y यूनिट के प्लेस पे आ गया. रिवर्स कर दिया अपन ने ऑर्डर. पहले क्या था x यूनिट के प्लेस पे था अब x 10 के प्लेस पे आ गया. पहले y 10 के प्लेस पे था अब x आपका 10 के अब y आपका यूनिट के प्लेस पे आ. तो ये एक नया नंबर मिल गया. अब दोनों कंडीशन लेते हैं बस यही सबसे खास चीज थी इसकी. अब दो कंडीशन लेके दो इक्वेशन बना दो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एटीसी फर्स्ट. देखो पहली कंडीशन क्या है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. ये जो दो डिजिट लिए अपने एक्स और वाई इनका अगर सम किया जाए तो किसके इक्वल है 9 के इक्वल. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. इस पे एक इक्वेशन पे ये फर्स्ट इक्वेशन ये डिजिट्स का जो सम है वो 9 के इक्वल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9. अब सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेट एटीसी देखना ध्यान से वहां ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. ये जो नंबर था अपना ओरिजिनल नंबर इसका 9 टाइम्स मतलब इसमें 9 का इंटू करो इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने से अपने को ये वाला नंबर मिला इसके 9 इसके ट्वाइस के इक्वल. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा 9 टाइम्स द नंबर इस नंबर का 9 टाइम 9 इंटू 10 वाई प्लस एक्स इस नंबर का 9 टाइम इस इक्वल टू किसके इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. ये वाला है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट 10x प्लस y इसके ट्वाइस के इक्वल 2 इंटू 10x प्लस y बस ये कंडीशन में रखती है अपन. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते थे यहां से इक्वेशन में 9 का इंटू करो पहले ब्रैकेट 10 9 जा 90y प्लस 9x is equal to इधर 2 का एंटर करते इस ब्रैकेट में 2 10 जा 20x प्लस 2y. अब x और y वालों को एक साइड कर दो. चलो इधर ले आते हैं इनपुट. ये 9x है ये 20x को इधर लाता हूँ माइनस 20x हो जाएगा प्लस ये 90y में ही रहेंगे 90y और ये 2y पे अगर लाओ तो माइनस माइनस 2y इसको सॉल्व इज इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर 9x माइनस 20x करेंगे तो माइनस 11x एक प्लस एक माइनस तो माइनस करें बड़े के सामने माइनस है तो 90y में से 2y माइनस करेंगे तो प्लस 88y इज इक्वल टू 0. ये 11 से डिवाइड कर ये भी 11 से डिवाइड जाता है ये भी 11 से 11 से डिवाइड कर दो which implies minus 11x को 11 से डिवाइड करेंगे तो minus x plus 88y को 11 से डिवाइड करेंगे 11 8 88 8y और 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0. इसको इक्वेशन से देखिए ये दो इक्वेशन आ गए आपके एक आ गया x plus y is equal to 9 एक आ गया minus x plus 8y is equal to 0. ये है फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब हमको चेक करना है कि दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है मतलब इसका सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन है या नहीं. अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो फिर अपन एलिमिनेशन मेथड यूज करें. तो अब चलिए इसको पेयर ऑफ जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू लिखते हैं पहले और फिर रेशो चेक करेंगे उसका. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ पेयर ऑफ linear equations, pair of linear equations, a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c. पहले equation को इससे compare कर लो, second equation को इससे compare कर लो. First equation क्या है? x plus y is equal to 9.
तो ए वन इज इक्वल टू वन, बी वन इज इक्वल टू वन और सी वन इज इक्वल टू नाइन. ए वन इज इक्वल टू वन, बी वन इज इक्वल टू वन और सी वन इज इक्वल टू नाइन. ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से ये वाले सेकंड इक्वेशन को कंपेयर. तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस वन, तो ए टू इज इक्वल टू माइनस वन, बी टू इज इक्वल टू एट और सी टू इज इक्वल टू जीरो. ए टू इज इक्वल टू माइनस वन, बी टू इज इक्वल टू कितना एट और सी टू इज इक्वल टू जीरो. कुछ नहीं है तो जीरो, कुछ नहीं है तो जीरो. अब ये ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू अगर रेशियो बना लो इसको, therefore a1 upon a2 is equal to 1 upon minus 1, 1 upon minus 1 minus का साइन ऊपर लगा सकती है, रहने दो ऐसे. b1 upon b2, b1 1 और b2 8, square c1 upon c2, c1 9 और c2 2, रहने दो ऐसे, ये नॉट बताऊं. अब क्लियरली देखो ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन माइनस वन है, बी वन अपॉन टू टू वन अपॉन एट है, तो ये इक्वल नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन होगा. देखो क्लियरली करके, क्लियरली ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन टू. जब ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है तो थर्ड वाला रेशो देखना ही नहीं है. ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू का मतलब है यूनिक सोल्यूशन. और जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है तो अब वी हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन. चलिए अब एलिमिनेशन मेथड पर देखो. बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूं. क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, तो उसका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, तो इक्वेशन वन दे दो. और सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस x प्लस एट वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनस x प्लस एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ये सेकंड इक्वेशन. अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स एक्स का कोफिशिएंट वाई वाई का कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं देखते. तो एक्स का कोफिशिएंट वन है, वाई का एक्स का कोफिशिएंट वन है और यहाँ पे माइनस वन इक्वल है और अपोजिट साइन के, वाई का वन है और वाई का एट, ये एक्स के इक्वल है और उसके साइन भी अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं और ऐड करने में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड कर, ऐड करने के लिए नहीं तो लाइन ड्रॉ कर दो, आप लाइन ड्रॉ कर दो. ऐड करने में साइन चेंज नहीं करना, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज करते. ये देखो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसल्ड, वाई प्लस एट वाई नाइन वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू नाइन प्लस जीरो नाइन. नाइन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई इज इक्वल टू नाइन अपॉन नाइन, या नाइन से डिवाइड भी कर सकते, नाइन से वन टाइम कैंसल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया आपका. अब इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कर दो फर्स्ट इक्वेशन y के प्लस वन, x प्लस y इज इक्वल टू नाइन है, x प्लस y की वैल्यू वन इज इक्वल टू नाइन, तो सॉल्व करके एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स इज इक्वल टू ये नाइन वन को सेट करेंगे तो माइनस वन, व्हिच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू नाइन माइनस वन करेंगे तो एट. अब देखो एक्स की वैल्यू एट आ गई, वाई की वैल्यू वन. अब ये एक्स और वाई की वैल्यू जो नंबर अपन ने बनाए थे टू डिजिट वाला उसके अंदर रख, कौन सा नंबर था जीरो, तो टू डिजिट नंबर टेन वाई प्लस एक्स में एक्स और वाई की वैल्यू, एयर फोर डिजिट नंबर डिजिट टू डिजिट नंबर, क्या है नंबर टेन वाई प्लस एक्स, यही था टेन वाई प्लस एक्स, रखो इसमें एक्स और वाई,
इज इक्वल टू ये टैन, वाई की वैल्यू है 1 प्लस एक्स की वैल्यू है 8, एन बन जाए 10 प्लस 3, एन प्लस 8 कितना होता है, एन प्लस 8 18 होता है, बस यही आपका आंसर है। देखो 18 टू डिजिट वाला नंबर है, ऐसे करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान से करना, थैंक यू ना, ठीक है भाई, इट्स एनफ फॉर टुडे।